नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों CDSL में आज भी आपको बड़ी तेजी देखने को मिली और 5% का अपर सर्किट। वहीं पिछले 5 दिनों के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है और स्टॉक ने अपना पिछले 1 महीने का हिसाब चुकता कर लिया है और अपने 1 महीने पुराने लेवल पे स्टॉक आ चुका है। लेकिन पिछले 6 महीने के अगर चार्ट की बात करें, जो इसका 52 वीक हाई है 1500 रुपये के लेवल के ऊपर, वहाँ से भी काफ़ी दूर है। तो क्या वहाँ पर स्टॉक वापस से पहुँच जाएगा या फिर नहीं? तो दोस्तों देखिए, अभी 1500 रुपये का लेवल जो है स्टॉक से थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन वहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं है। स्टॉक के अंदर कोई कमी नहीं है और इस समय जो तेज़ी आई है उसकी वजह तो आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो एक बार वो भी जान लीजिए, क्योंकि CDSL की जो कंपनी है CDSL वेंचर्स लिमिटेड, तो CDSL वेंचर्स लिमिटेड के लिए CCL ने वेरीफाई कर दिया है और उन्हें ई साइन की पूरी सुविधाएं करने की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे CDSL को डायरेक्ट तौर पे फायदा हो रहा है, क्योंकि CDSL वेंचर्स लिमिटेड इनकी पूरी 100% कंपनी है, मतलब कोई भी और हिस्सेदार उसमें नहीं है और उसी वजह से आपको स्टॉक में वापस से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जब ये स्टॉक काफ़ी बड़े लेवल पर पहुंच चुका था और उसके बाद जब इसमें गिरावट भी शुरू हुई थी तो ये स्टॉक बिल्कुल बेचने के लायक नहीं था और मैंने बताया भी था कि स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। बेशक ये ASM लिस्ट में है, जिसके ऊपर कल एक आपको डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे स्टॉक कैसे ASM लिस्ट में पहुँचते हैं और कैसे वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, उसका सारा तरीका सारा टाइम सब कुछ आपको क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्टॉक अच्छी कंडीशन में है और यहाँ से आगे के मूवमेंट भी हमें काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपको मंडे के दिन भी यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं स्टॉक में आप देखेंगे 1400 रुपये के लेवल के ऊपर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वापस से देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप लंबे समय तक इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। अगर हम बात करें आने वाले 5 सालों में, तो ये स्टॉक आपको आज जहां 1300 का दिखाई दे रहा है, वहीं 5 साल बाद ये 5000 के लेवल के ऊपर भी देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप हमारे कंप्लीट एनालिसिस की सीरीज में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको कंप्लीट इसका वीडियो मिल जाएगा और आपको सारा सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और सही और सटीक जानकारी के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।